Hey Space Lover, this is Unnat and you are watching Unnat.Tech. So basically, आज हम लोग बात करेंगे Bellatrix Aerospace के बारे में, जो कि थर्ड वीडियो है इंडियन प्राइवेट स्पेस एजेंसी सीरीज का. इससे पहले हम लोग ने बात किया था Skyroot Aerospace, अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में. सो why Bellatrix? इन्होंने अपने स्पेस एजेंसी का नाम Bellatrix क्यों रखा? सो बेसिकली Bellatrix इज द bluish व्हाइट स्टार विच इज द थर्ड ब्राइटेस्ट स्टार इन कॉन्स्टेलेशन ऑफ ओरियन. सो अगर हम लोग Bellatrix के मेन मोटिव की बात करें तो अकॉर्डिंग टू Bellatrix अगर देखा जाए तो आज भी स्पेस कॉस्ट ट्रेवल इज टू हाई. अगर आप स्पेस कॉस्ट को कम करते हो अपने न्यू आइडियाज और टेक्नोलॉजी के हेल्प तो स्पेस ह्यूमन के लिए फ्यूचर गेटवे बनेगा. और अगर ऐसा होता है तो स्पेस में ह्यूमनिटी एक लॉन्ग जम मारेंगी, जस्ट लाइक कॉलोनीज ऑन मार्स, एक्सट्रैक्टेड फ्यूल फ्रॉम मून एंड समथिंग मोर. एंड Bellatrix यही सब डेवलप कर रहा है. सो ब्रेक द ऑल बैरियर्स एंड इन्फ्लुएंस द फ्यूचर. Bellatrix के जो फाउंडर है रोहन एम गणपते हैं एंड को फाउंडर एहसास है. और मेरी एहसास से बात हो चुकी है, ही एंसर्ड माई एवरी सिंगल क्वेश्चन. सो थैंक यू सो मच एहसास फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन विच आई कैन यूज इन माई वीडियो. सो Bellatrix करती क्या है? सो Bellatrix मेनली रॉकेट एंड सेटेलाइट प्रोपल्शन सिस्टम पर काम करती है. अगर इनके रॉकेट सिस्टम की बात करें तो इनके पास मेनली दो रॉकेट है, चेतक एंड गरुड़. अगर हम लोग चेतक की बात करें तो ये महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम से लिया गया है. और चेतक बेसिकली टू स्टेज वाला रॉकेट है और उसको कई सारे एओन्स इंजन जो पावर्ड करते हैं. और साथ में ही जो चेतक रॉकेट मेथेन को यूज करती है एज अ फ्यूल. वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज कि ये लोग अपने चेतक रॉकेट को 2023 में लॉन्च करेंगे. देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया के प्राइवेट स्पेस एजेंसीज रॉकेट को लॉन्च कर रही है. हम लोग अब बात करते हैं गरुड़ रॉकेट की. सो बेसिकली गरुड़ गॉड गरुड़ के नाम से लिया गया है, जो कि भगवान विष्णु की सवारी थी. सो गरुड़ रॉकेट भी टू स्टेज वाला रॉकेट है, बट इसकी एक खास बात जो सभी रॉकेट से इसको अलग करती है जो कि रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम है. जस्ट लाइक SpaceX का जो फॉल्कन है, आपने ढेर सारे वीडियोस में देखा होगा कि वो पहले टेक ऑफ करता है फिर लैंड करता है उसका बूस्टर. सो गरुड़ रॉकेट में बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन प्रोपल्शन सिस्टम एंड इमरजेनियस स्टेज रिकवरी मैकेनिज्म का यूज करेगी, एज वेल एज 18% कार्बन कंपोसाइट का यूज होता है गरुड़ रॉकेट को डेवलप करने के लिए, जो काफी इको फ्रेंडली है. नाउ अब हम लोग बात करते हैं Bellatrix के सैटेलाइट प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में. क्योंकि Bellatrix बहुत बढ़िया काम कर रहा है, चाहे हम लोग बात कर ले ग्रीन मोनोप्रोपेलेंट केमिकल थ्रस्टर की या हम लोग बात करें वाटर बेस्ड माइक्रोवेव प्लाज्मा थ्रस्टर की. तो बेसिकली ये लोग वाटर के हेल्प से सैटेलाइट को मूव कराएंगे स्पेस में. या हम चाहें बात इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड हॉल इफेक्ट थ्रस्टर, या फिर हम लोग बात करें नैनो सैटेलाइट के लिए एक स्पेशल थ्रस्टर की. तो इन सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर Bellatrix काफी बढ़िया काम कर रहा है. हम आपको बता दें कि Bellatrix सैटेलाइट प्रोपल्शन सिस्टम पे इतना बढ़िया काम कर रहा है कि इन्होंने MOU साइन कर रखा है इसरो के साथ, जिसमें Bellatrix के ग्रीन मोनोप्रोपेलेंट केमिकल थ्रस्टर को इसरो यूज मिलेगी. एंड ऑलरेडी Bellatrix ने अपने ग्रीन मोनोप्रोपेलेंट केमिकल थ्रस्टर को टेस्ट फायर किया. तो इसरो के फ्यूचर मिशन में Bellatrix के थ्रस्टर देखने को मिल जाएंगे. तो साथ में Bellatrix ने Skyroot Aerospace एंड ध्रुवा स्पेस के साथ भी MOU साइन कर रखा है. बल्कि Skyroot ने अपने विक्रम सीरीज रॉकेट के ऑर्बिटल के लिए 2023 में Bellatrix के थ्रस्टर को यूज मिलेगी अपने सैटेलाइट को मूव कराने के लिए या फिर ऑर्बिटर को मूव कराने के लिए. काफी इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या, जो Bellatrix के वन ऑफ द मेजर इन्वेस्टर में से मेरी एक दीपू भी है. समझ रहे हो आप? सो साइंस लवर, इट्स ऑल अबाउट Bellatrix एरोस्पेस, जो कि अपने लेवल पे बहुत बढ़िया काम कर रही है. और साथ में इन्होंने कई ढेर सारे अवार्ड भी जीत चुके हैं, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी इनको अवार्ड मिल चुके हैं. जबकि इंडिया में इन स्पेस आ चुका है तो सभी प्राइवेट स्पेस एजेंसी को एक बूस्ट मिला है. सो सपोर्ट देम. एंड मैंने Bellatrix एरोस्पेस के सारे सोशल मीडिया अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं. सो गो एंड फॉलो देम, योर एवरी सिंगल व्यू मेक मी हैप्पी. सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.